हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो बच्चे फ्लोरिंग प्लांट्स का बात करोगे तो फ्लोरिंग प्लांट को हम लोग टर्म देते हैं फेनेरोगेम्स। ऐसे पौधे जो फ्लावर बनाते हैं उनको फेनेरोगेम कहते हो, ऐसे पौधे जो फ्लावर नहीं बनाते उनको क्रिप्टोगेम्स कहते हो। अब आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, तो बताओगे फ्लावर, यानी फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फ्लावर अगर स्मॉलेस्ट फ्लावर की बात करो तो उल्फिया को बोला जाता है जिसको डकवीट कहते हैं, और लार्जेस्ट फ्लावर की बात करें तो रेफ्लिसिया को कहा जाता है। तो रेफ्लिसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर, उल्फिया इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर, और फ्लावर की स्टडी को एंथोलॉजी कहते हैं। इस बात को नोट करेंगे, सबसे पहले ये बताओगे ये फेनेरोगेम्स, फेनेरोगेम्स क्या है। तो फेनेरोगेम्स मीन्स ये हुआ फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड फेनेरोगेम्स। एग्जांपल इसका देखो कौन हुआ, एंजियोस्पर्म फेनेरोगेम्स के अंदर आया। अब यह स्टडी ऑफ फ्लावर की स्टडी को क्या कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर स्मॉलेस्ट फ्लावर लार्जेस्ट फ्लावर तो देखिए फ्लावर की स्टडी को एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी में फ्लावर की स्टडी को कहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इसको फ्लोरिकल्चर टर्म देते हैं, फ्लोरिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। स्मॉलेस्ट फ्लावर ये ओल्फिया को बोलते हैं, ओल्फिया को डकवीड प्लांट कहते हैं, डकवीड। और एक है लार्जेस्ट फ्लावर तो रेफ्लिसिया को लार्जेस्ट फ्लावर के नाम से जाना जाता है। फ्लावर को बोला जाता है कि रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, तो फ्लावर को बोलते हैं। फ्लावर का रिलेशन आज का नहीं है, इमेमोरियल काल से है। देखे होंगे फ्लावर कोई ग्रीन है उसका कुछ इंपॉर्टेंट है, रेड का अलग इंपॉर्टेंट है, ब्लू का अलग है, व्हाइट का अलग है। तो फ्लावर का रिलेशन इमेमोरियल पीरियड से चला रहा है। इसके बाद ये फ्लावर के कुल कितने पार्ट हैं, तो बात करो फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। एक का नाम कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है। तो देर आर द 4 पार्ट ऑफ द फ्लावर, फोर पार्ट ऑफ फ्लावर। और ये 2 होल बेरेंज होते हैं, एक को एसेसरी बोलते हैं और एक बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। एसेसरी होल और एक होता है रिप्रोडक्टिव होल। तो अगर एसेसरी होल की बात करो तो उसके अंदर एक आएगा कैलिक्स, सेकेंड होगा करोला, थर्ड होगा एंड्रोसियम, फोर होगा गाइनोसियम, फोर्थ का नाम है गाइनोसियम। तो देखो इन दोनों को रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसेसरी पार्ट। यानी फ्लावर के कितने पार्ट हो गए, तो ये बताओगे 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के। तो फ्लावर के स्टडी को एंथोलॉजी, फ्लावर की कल्टीवेशन को फ्लोरिकल्चर, स्मॉलेस्ट फ्लावर ओल्फिया, लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लिसिया, रिप्रोडक्टिव यूनिट आप एंजियोस्पर्मी के फ्लावर होगा। फ्लावर के 4 पार्ट होंगे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स करोला एसेसरी होल एंड एंड्रोसियम गाइनोसियम इज रिप्रोडक्टिव होल्स। अब आता है जिसे ये बात करो कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स जो होता है
ये ग्रीन कलर होता है, जनरली ग्रीन कलर होता है, और इसका यूनिट होता है सेपल। कैलिक्स हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में और ये ग्रोइंग बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कैलिक्स का यूनिट, इसका यूनिट है सेपल बोला जाता है, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर हेल्पिंग फोटोसिंथेसिस, हेल्पिंग फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग बर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग बर्ड, ये ग्रोइंग बर्ड को सपोर्ट करने का काम करता है। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग बर्ड, ये ग्रोइंग बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कहीं कहीं देखा जाता है जैसे सोलनेसी मेंबर में पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद देखेंगे सेपल बहुत से पौधों पर तो फॉल अप हो जाता है, गिर जाता है, बट सोलनेसी मेंबर में सेपल बचा रह जाता है। तो उसके लिए टर्म यूज क्या करते हो, परसिस्टेंट कैलिक। तो परसिस्टेंट कैलिक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलनेसी फैमिली, जैसे ब्रिंजल में, टोमेटो में, चिली में देखेंगे सेपल बचा रह जाता है, कैलिक्स बचा रह जाता है, तो उसको परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हो। कैलिक्स का अगर यूनाइटेड हो गया तो उसको गैमोसेपलस कहते हो, अगर फ्री रहता है तो पॉलीसेपलस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अब सेकेंड जो पार्ट है इसका, उसका नाम है करोला। तो जो सेकेंड है करोला, अब इस करोला का यूनिट क्या है, तो करोला का यूनिट होता है पेटल, इसको बोलते हैं पेटल। यूनिट ऑफ द करोला इज पेटल। पेटल जो होगा ये ब्राइट कलर होगा, ब्राइट कलर एक्सेप्ट ग्रीन, माने ग्रीन को छोड़ के ये ब्राइट कलर होगा एक्सेप्ट ग्रीन। हेल्प करता है, जैसे पर्पल भी कलर हो सकता है, येलो भी कलर हो सकता है, और ऑरेंज कलर, रेड कलर, डिफरेंट टाइप, बट एक्सेप्ट ग्रीन कलर को छोड़ के। और ये हेल्प करता है अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो हेल्पिंग अट्रैक्शन, हेल्पिंग अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। इसके बाद आता है एंड्रोसियम। अब इस एंड्रोसियम की बात करो तो एंड्रोसियम को कहा जाता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी इसको बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका नाम होता है एंड्रोसियम। और इसका यूनिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन, इसकी यूनिट का नाम है स्टेमेन। इसके बाद एंड्रोसियम का देखो टाइप्स, मॉर्फोलॉजी में डिटेल स्टडी करेंगे, कहीं मोनोडेल्फस, कहीं पॉलीडेल्फस, कहीं टेट्राडाइनमस, कहीं डाइडेल्फस, डिफरेंट टाइप के स्टेमेंट्स पाए जाते हैं, एंड्रोसियम होते हैं। अब देखो फोर्थ इसका पार्ट है गाइनोशियम। अब इस गाइनोशियम की बात करो तो गाइनोशियम क्या है, इसको बताएंगे फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज गाइनोशियम। इसका जो यूनिट है उसको बोलते हैं कार्पल, या इसी का दूसरा नाम इसको बोलते हैं पिस्टिल। तो कार्पल या पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। कार्पल अगर फ्री है तो इसको पाली क्या बोलते हैं, माने यहाँ पर एपोकार्पस कहते हैं, फ्री है तो एपोकार्पस है, फ्यूज है तो सिनकार्पस है। फ्यूज किसमें है, पापाभर सोमनीफेरम में फ्यूज है, वो सिनकार्पस है, अमीकेलिया के अंदर एपोकार्पस होता है। अब आप अपनी बुक का ये पढ़िएगा एक एक करके। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एंड्रोसियम, स्टेमन, पॉलन ग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे अभी इस फ्लावर के रफली फिगर देख लें, सबसे ऊपर ये होता है स्टिग्मा, ये है स्टाइल। स्वेलन पार्ट का नाम ये ओवरी है, ओवरी जिस पर अटैच है उसका नाम थैलमस होता है। इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं थैलमस, और जिससे ये अटैच है इसका नाम पेडिसिल, पेडिसिल होगा, इसको बोलेंगे स्टिग्मा। इलांगेटेड पार्ट का नाम स्टाइल, स्वेलन पार्ट का नाम ओवरी होगा। इस ओवरी के अंदर आप देखो, ओवरी के अंदर ये क्या है ये बताएंगे, इसके अंदर ये ओव्यूल पाया जा रहा है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा। यहाँ पर ग्रीन कलर का ये सब, ग्रीन कलर का जो है वो सेपल है, और ब्राइट कलर में, ब्राइट कलर में आप देखो ये सब, इसका नाम पेटल है, तो इसको बोलोगे सेपल, सेपल। इसका नाम क्या है, पेटल,
और इसी से अब इंस्ट्रूमेंट रहेगा। इंस्ट्रूमेंट में ये जो पार्ट है इसका नाम एंथर, इसका नाम फिलामेंट, ये चार पार्ट में डिवाइड होता है, माने इंडोसियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, करोला, देयर आर द फोर पार्ट ऑफ द एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? स्टेमेन। तो आज अब यहाँ से बात हम लोग कर रहे हैं कि स्टेमेन के बारे में, कि स्टेमेन क्या है। बच्चों अगर स्टेमेन की बात करो तो स्टेमेन यूनिट ऑफ द एंड्रोसियम। स्टेमेन की प्लॉयडी क्या है? इसको कहोगे डिप्लॉयड होता है, ट्यूबल होता है। स्टेमेन के ये टू पार्ट होते हैं, कितने पार्ट है? टू पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट को कहते हो एंथर और एक पार्ट इसका होता है फिलामेंट। तो अपर जो स्वॉलन पार्ट है, जैसे देखो ये एंथर हो गया तो ये फिलामेंट हो गया, इसको एंथर बोलो इसको फिलामेंट बोलो। तो अपर स्वॉलन पार्ट इज एंथर और इलांगेटेड सिलेंडर पार्ट इज द फिलामेंट। अब एक नीट का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, कि जैसे फिलामेंट का प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच विद द थैलेमस एंड पेटल, एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच विद द थैलेमस एंड पेटल, ये क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ द फिलामेंट इज वेरिएबल, जैसे साल्विया मस्टर्ड के अंदर फिलामेंट की लेंथ वेरिएबल होता है। उसके बाद इस अगर आप एंथर में देखो ये चार कार्नर ये बनते हैं। अब ये चार कार्नर यहाँ बन गए, एक कार्नर के लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जाना जाता है। एक कार्नर का नाम माइक्रोस्पोरेंजियम है, और यही माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होकर के ये बनाता है पॉलन सैक। क्या बनाता है? पॉलन सैक। तो ईच एंथर डिवाइड इनटू फोर कार्नर, ईच कार्नर इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। दिस माइक्रोस्पोरेंजियम ये क्या होगा? कनेक्टेड जिससे होगा उसको कहते हैं कनेक्टिव के नाम से जाना जाता है, कनेक्टिव कहा गया, और इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और यही माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होकर के ये बदल जाती है पॉलन सैक में, ये बदल के क्या बनाती है? पॉलन सैक, ये बनाने का काम करती है। और इसके अंदर एक कनेक्टिव पाया गया, और ये सिलेंडर एक पार्ट होता है इसका, इसका नाम क्या है? फिलामेंट होता है। अब इस एंथर के अंदर ये जो चार कार्नर आप देख रहे हो, इसका मतलब इसमें टू, ये टू लोब है और फोर चैम्बर, इसको हम लोग टर्म यूज करते हैं डाइथिकस, यानी एंथर इज डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंथर इज डाइथिकस, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, एंथर इज डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। अब डाइथिकस का मतलब टू लो में फोर चैम्बर, यानी ईच लोब टू चैम्बर, ईच लोब टू चैम्बर, नोन एज डाइथिकस। यही मालवेसी के केस में ये मोनोथिकस होता है। अगर मालवेसी की बात करें तो उसमें ये क्या होगा तो बताओगे? मालवेसी के अंदर ये मोनोथिकस, ये टर्म हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद अब एंथर जो सैक है वो फोर टाइप के वॉल लेयर से सराउंडेड होता है, यानी एंथर सैक सराउंडेड बाई फोर टाइप वॉल लेयर। तो इसको बोलोगे एंथर सैक फोर वॉल लेयर, यानी फोर टाइप वॉल लेयर। तो एंथर सैक के बाहर ये फोर टाइप की वॉल लेयर पाई गई। अब इस फोर टाइप की वॉल लेयर के लिए टर्म यूज करोगे ई स्क्वायर एम टी, ये नाम दिया जाता है ई स्क्वायर एम टी। अब यहां पर एक लेयर का नाम है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। थर्ड है मिडिल लेयर, एम का मतलब मिडिल लेयर। और फोर्थ लेयर है ये टेपिटम के नाम से जाना जाता है, टेपिटम। फोर्थ लेयर इज टेपिटम। अब आप यहां देखोगे एपिडर्मिस सिंगल लेयर होगी, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर सिंगल होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी। इंडोथीसियम एपिडर्मिस के नीचे होगी, ये फाइबरस लेयर होती है, फाइबरस ये लेयर कहलाती है। और इसी के ठीक नीचे मिडिल लेयर, ये करीब फोर वॉल लेयर, फोर वॉल लेयर ये थिक होती है, एक तरह से सबसे थिकेस्ट लेयर होती है मिडिल लेयर। और इनर लेयर कैपिटम इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर के नाम से जाना जाता है।
और इस लेयर का मेन काम है ये प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, और इसमें न्यूक्लियस का नंबर मोर देन वन, तो इसमें न्यूक्लियस क्या होगा मोर देन वन न्यूक्लियस इसके अंदर पाया गया। अब मोर देन वन न्यूक्लियस क्यों है ये बता दोगे कि ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी इसमें न्यूक्लियर डिवीजन फ्री हुआ इसलिए इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस पाया गया। तो आप यही बताना कि एंथरसाइट में ये कितने टाइप की वाल लेयर होगी, ई स्क्वायर एम टी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। टेपिटम हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। अब आप ये देखेंगे कि एंथरसाइट के अंदर होमोजीनियस टिश्यू पाया जाता है, वो होमोजीनियस टिश्यू डेवलप करके ये बनाता है स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू डिप्लॉयड होता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू चेंज इनटू पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल को पोटेंशियल पॉलन के नाम से जाना जाता है, और पोटेंशियल पॉलन या पॉलन मदर सेल डिप्लॉयड होता है, अंडरगोज मियोसिस डिवीजन, प्रोड्यूस फोर हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर व्हेन एंथर मैच्योर आफ्टर डिहाइड्रेशन माइक्रोस्पोर चेंज इनटू पॉलन ग्रेन। इसका मतलब कि यहाँ एक लाइन आप सिंपल पढ़ें कि सबसे पहले आप ये लिख सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम एंड्रोसियम, एंड्रोसियम होगा, उसके अंदर स्टेमेन पाया गया, स्टेमेन के अंदर एंथर पाया गया, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम यानी डेवलप करके एंथरसाइट बनाया, और इस एंथरसाइट के अंदर ये टिश्यू कौन है स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनस ये टिश्यू बना, और ये स्पोरोजीनियस टिश्यू चेंज इनटू पॉलन मदर सेल में बदल गया। इसी पॉलन मदर सेल का दूसरा नाम इसको पोटेंशियल पॉलन के नाम से जाना जाता है, इसको पोटेंशियल पॉलन कहते हैं। इसकी प्लॉयडी 2n होती है, ये डिवाइड करता है, कौन डिवीजन होगा इसका मियोसिस डिवीजन होगा, तो इसके द्वारा ये फोर हैप्लॉयड, ये हैप्लॉयड बन गया, इसका नाम देंगे माइक्रोस्पोर, फोर माइक्रोस्पोर, ये टिट्रेड का फॉर्मेशन हुआ। तो फोर माइक्रोस्पोर टिट्रेड कहाँ से बने, एक पॉलन मदर सेल के एक मियोसिस डिवीजन द्वारा बने, और यही जब एंथर मैच्योर हो जाता है उसका पानी वाटर लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसके डिहाइड्रेशन के बाद ये फिर माइक्रोस्पोर चेंज इनटू, ये माइक्रोस्पोर बदल गया किसे बदल गया तो बताओगे ये चेंज इनटू पॉलन ग्रेन में बदल गया, और उसी पॉलन ग्रेन को कहते हैं क्या कहते हैं भाई मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है, पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट कौन है, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन क्या है हैप्लॉयड है, और पोटेंशियल पॉलन क्या है ये डिप्लॉयड है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है 100 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितना पीएमसी, भाई एक से चार, 100 से 100 बाई 4 इसका मतलब 25 चाहिए, या वन मियास से सिर्फ 4 पॉलन ग्रेन बना इसका मतलब यहाँ 100 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितना मियास से ये बताओगे 100 बाई 4 इज इक्वल हो गया 25, यानी 25 मियासिस डिवीजन द्वारा ये 100 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो 100 पॉलन ग्रेन बनाना होगा तो कितना मियासिस ये पॉइंट पढ़ना, इसका मतलब कि आज ये आपको हमने बताया कि एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच यूनिट इज द स्टेमेन, स्टेमेन डिवाइड टू पार्ट, वन इज द एंथर अनदर इज द फिलामेंट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट अटैच विद द थैलमस एंड पेटल, लेंथ ऑफ द फिलामेंट इज द वेरिएबल and enter the upper swollen part, enter dithecus tetrasporangiate, but in case of the malvaceae monothecus, enter divide into four corners, one corner is called microsporangium, microsporangium mature into anther sac contain homogeneous tissue which change into the pollen mother cell also called potential pollen undergoes meiosis division to produce microspore, this microspore after dehydration and maturation of the anther become microspore change into the pollen grain and pollen grain is known as male gametophyte। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में ये microspore pollen grain के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।
हाँ हाँ